सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से। हमने दोस्तों सवाल ये था कि यार क्या आपको लग रहा है कि आजकल स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो स्पेशली मिड रेंज कैटेगरी में ना मतलब एक के बाद एक फोन्स लेके आते हैं, लेकिन जो स्पेक्स होती हैं वो बिल्कुल सेम सी होती है, मतलब बेसिकली सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस बोले 94% ने हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है और 6% बोलते हैं कि नहीं कंपनीज तो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हाँ ख्यालों में शायद कर रही हैं सभी कंपनीज, लेकिन मिड रेंज में यार डेफिनेटली ना मतलब बहुत बोरियत से हो गया दोस्तों आजकल। लेकिन ऐसे में भी आज का सवाल थोड़ा सा एक्साइटमेंट से भरा है और दोस्तों वो है आपके लिए बिटकॉइन को लेके कि आपके पास में है बिटकॉइन एक आधा चवन्नी एक दो पैसा, मतलब हम तो दोस्तों फ्रैक्शन से बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या कहीं छुपा के दबा के रखे हैं बिटकॉइंस? बताना जरूर क्या आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह वीडियो को सीधा लाइक कर ही दीजिए। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके निकल के आता है नोकिया X20 को लेके, और यहां पर दोस्तों 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं नोकिया कुछ कुछ फोन। उससे पहले यहां पर दोस्तों अभी ये FCC सर्टिफिकेशन के दौरान सामने निकल के आया है, अभी ऐसे देखते हैं एक्जैक्टली कि नोकिया क्या प्लानिंग कर रहा है। बिकॉज नोकिया कुछ कुछ काम तो अच्छे करता है, कुछ कुछ काम इतने अच्छे नहीं कर पाता है। तो अभी लेट्स सी कि क्या रहती है नोकिया के अभी नए फोन्स की पूरी कहानी। यहाँ पे दोस्तों अगला जो खबर का टुकड़ा है वो आता है हमारे पास में एक हैंड रिटन जॉब एप्लीकेशन को लेके, जो कि दोस्तों हम मिस्टर स्टीव जॉब्स का 1973 में लिखा गया और यहाँ पर दोस्तों उसका ऑक्शन हुआ और जो कीमत इसकी निकली सामने वो थी £1,62,000। तो अभी दोस्तों आप कर लो सारा मल्टीप्लाई और पता लगाओ कि इसकी एग्जैक्ट कीमत क्या निकल के आई होगी, जहां पे दोस्तों 1973 में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद दोस्तों अटारी में जो है मतलब यू नो करेक्शन रहा मिस्टर जॉब्स का, उसके बाद में फिर एप्पल की शुरुआत हुई आई थिंक 1976 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टीव वॉजनियाक के साथ में और रोनल्ड वेन के साथ में। तो यहां पर दोस्तों ये ज़्यादा मतलब वैल्यू निकल के आई है वैसे फिर ऑक्शन में। यहाँ पे अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो आती है हमारे पास में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेके, चीज़ें चल रही हैं बार बार। अगेन मैं आपसे इसीलिए पूछा था बिटकॉइन के बारे में बिकॉज यहाँ पे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट जो है वो शायद कभी भी ये अपडेट हमको दे सकती है कि कल रात 8 बजे से क्रिप्टो करेंसी जो है उसको होल्ड करना इलीगल होगा। वो जो है वो दोस्तों इंडिया में पहले हालांकि बहुत बार बातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की और RBI वगैरह की दोस्तों क्रिप्टो को लेके, लेकिन अभी आज की डेट में शायद ऐसे जो है वो पूरा सीन बन रहा है कि आगे चल के शायद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑफिशियली लीगल ना रहे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में शाओमी के मी मिक्स सीरीज के लाइनअप लॉन्च को लेके, 29th of March दोस्तों यहाँ पे लॉन्च ये होने वाले हैं। लिखा है मिक्स कमिंग बैक, अभी लेट्स सी कि इस बार शाओमी कैसे फोन्स लेके आता है, वो क्या बेजललेस या क्या फोल्डिंग या क्या नो ऑल रैप अराउंड डिस्प्ले या क्या बेसिकली नई टेक्नोलॉजी होती है इस बार के मी मिक्स लाइनअप में। अगला दोस्तों अपडेट आता है हमारे पास में क्वालकॉम को लेके, और क्वालकॉम ने दोस्तों अनवील किया है अपना लेटेस्ट 5 नैनोमीटर्स का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 780 5G। और यहाँ पे दोस्तों यार ये डेफिनेटली बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है बिकॉज पहली बात हम बात कर रहे हैं 5 नैनोमीटर्स की, फिर दोस्तों बात कर रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज की, तो डेफिनेटली अफोर्डेबल भी होगा और पावरफुल भी होगा। अभी ऐसे में लेट्स सी कि यहां पे दोस्तों क्या इसको लेकर डिटेल्स निकल जाती है। अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स आ गए हैं, तो जल्दी ऑफिशियल भी हो जाएगा स्नैपड्रैगन 780G प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों अगली न्यूज निकल के आती है हमारे पास में शाओमी मी 11 अल्ट्रा को लेके, और ये दोस्तों सैमसंग से दोस्ती कर चुके हैं बिकॉज काम में लिया जाएगा सैमसंग का आइसोसेल GN2 कैमरा सेंसर। यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत एक एडवांस्ड इमेजिंग सेंसर है सैमसंग की तरफ से। शाओमी और सैमसंग वैसे हैंड एंड काम करते हैं बहुत बार, बस वो स्टेज पे प्रेजेंटेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत चीजें आगे पीछे निकल जाती है, वरना बैक एंड में बिजनेस तो ऑफकोर्स साथ चलता ही है दोनों ब्रांड्स का। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एक ऐसी टाइप की दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेके, जहां पे ना रिसर्चर्स ने अभी स्मार्ट क्लोथ्स बनाए हैं जहां पे ये एक्चुअली आपको फैब्रिक की तरह फील होते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों इंटीग्रेटेड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरा दिखने को मिलता है। तो मतलब ऐसे में आपने स्मार्ट कपड़े पहने हैं, उसके बाद में दोस्तों कपड़ों में सेंसर्स लगे हैं तो वो 50 तरह के काम कर पाएंगे। हो सकता है वहां पर डिस्प्ले भी लगा है, यहां पर दोस्तों आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या हरकतें चल रही है वो भी पूरी कैलकुलेट की जा रही है। तो मतलब फ्यूचर में डेफिनेटली दोस्तों एटलीस्ट एथलीट्स वगैरह के लिए या फिर अगर आपको ज्यादा स्मार्ट बनना है तो आपके लिए भी ऐसे क्लोथ शायद आप ले पाएंगे। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Realme 8 और Realme 8 Pro को लेके, इंडिया में दोस्तों फोन्स लॉन्च कर दिए हैं।
टेक्निकली रियलमी 7 और 7 प्रो ही मैं कहूंगा, कुछ चेंजेस एक दो चीजों को लेकर यार कुछ है ही नहीं। मैंने अपना वीडियो बना दिया था तो अभी ऐसे में रियलमी डेयर टू लीप की बात तो करता है, बट वो लीप किस डायरेक्शन में लग रही है भैया, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या वो फॉरवर्ड है या खड़े खड़े एक ही जगह पे लीप लगाए जा रहे हैं या फिर भैया रिवर्स जा रहे हैं। बिकॉज पिछले तीन जनरेशन से रियलमी 6 प्रो, 7 प्रो, 8 प्रो हमको एक ही प्रोसेसर मिल रहा है जो कि है स्नैपड्रैगन 720G, और बाकी दोस्तों बस वो डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज कर करके फोन को लॉन्च किया है इन्होंने। तो अभी फोन ही नहीं कहूँगा खराब है, लेकिन डेफिनेटली और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एक ऐसे AI बैकपैक को लेके, जहाँ पे दोस्तों जो लोग ठीक से देख नहीं सकते दोस्तों उनके लिए यहाँ पे ये चीज निकल के आती है कि आपने एक बैकपैक पहन लिया उसके बाद में दोस्तों ये आपको आपका पूरा रास्ता गाइड करेगा। मतलब काफी स्मार्ट ये बैकपैक है, और ऐसे में मतलब आपके सामने दोस्तों को ऑब्स्टेकल है या नहीं है या रास्ता कैसा है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बैकपैक बताता रहेगा। काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं उनके लिए नॉर्मल लाइफ में नेविगेट करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों अगली जो खबर है निकल के आती है बिटकॉइंस को लेकर, जहाँ पे अभी टेस्ला जो गाड़ियां है वो अगर आप खरीदना चाहें तो बिटकॉइन से दोस्तों खरीद सकते हैं, ऐसा जो है वो अपडेट कर दिया है मिस्टर लॉन मस्क ने। अब दिक्कत ये है कि मुझे टेस्ला खरीदनी तो है, मुझे पता है मुझे कौन सी खरीदनी है, मुझे पता है वो कौन से कलर की होगी, लेकिन बिटकॉइन नहीं है मेरे पास में। अगर आपके पास में तो दे दो या मतलब कुछ डील वील अपन कर लेते हैं। तो अभी वैसे मजाक कर रहा हूँ, मैं साइबर ट्रक की प्लानिंग कर रहा हूँ यार, लेट्स सी कब दोस्तों आता है दुबई में, और उसके बाद में आपके लिए आएगा उसका एक बहुत ही शानदार सा वीडियो। लेकिन अगर आप भी चाहें तो टेस्ला खरीद सकते हैं बिटकॉइन से। या दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वीवो X60, X60 Pro और X60 Pro Plus को लेके। इंडिया में दोस्तों वीवो इन फोन्स को लॉन्च कर चुका है, जो कीमत दोस्तों शुरू होती है वो है 37,990 से जाती है ऑल द वे अप टू 69,990। यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए आज वीवो X60 Pro का तो वीडियो लेके आ चुका था, बहुत ही कमाल का कैमरा है, और कल आने वाला है आपके लिए स्पेशल वीडियो वीवो X60 Pro Plus का। इसका कैमरा तो मतलब आज तक मैंने जितने फोन यूज किए हैं शायद दोस्तों कहूंगा कि वन ऑफ दी बेस्ट या ऑलमोस्ट एट द टॉप है। तो मतलब कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से और दोस्तों ओवरऑल जो फोन है डिजाइन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार लाइनअप निकल के आया है व्यू की तरफ से इसी ने X60 सीरीज में। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है पबजी को लेके। पबजी को हम कैसे भूल सकते हैं, मतलब हम पबजी को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और पबजी हमें भूल जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहां पे दोस्तों पबजी मोबाइल लाइट सीजन 23 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों एक नया विनर पास भी लेके आएगा। अभी ऐसे में इंडिया में कब आएगा वो हमें नहीं पता है यार, पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों। अपडेट दो तीन हफ्ते हम सुनते रहते हैं, अब आया पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर हम बात करते हैं सीक्रेट मीटिंग हो गई है, पबजी आने वाला है। कुछ कुछ तो क्राफ्टन प्लानिंग कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हैवी, चलते शायद अप्रूवल्स मिल जाए या कुछ ना कुछ शायद चीज़ें दोस्तों ठीक हो जाए। फिलहाल के लिए खैर मोबाइल लाइट के नए सीजन से काम चला लो अगर आप गेम खेल रहे हो किसी भी तरीके से, करना नहीं चाहिए ऐसा, बट अगर कर रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में इंस्टाग्राम को लेके, जहाँ पे दोस्तों अभी स्टोरी ड्राफ्ट का एक फीचर आने वाला है, जहाँ पे आप जो है वो दोस्तों एज अ ड्राफ्ट अपनी स्टोरी को शायद सेव कर पाएंगे, जहाँ पे अभी इसका स्क्रीनशॉट लीक हुआ है। तो अगर आप ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है मी 11 को लेके। Xiaomi ने बोला है कि इंडिया में जल्दी लेके आने वाले हैं Mi 11 सीरीज। अभी ऐसे में किस कीमत पे आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, क्या स्पेक्स लेके आएगी, कौन कौन से फोन के साथ आएगी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। वो बस वन प्लस 8 का लॉन्च था ना, तो उस टाइम पे बस ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया थोड़ा टीजर दिखा के। अभी लेट्स सी एक्चुअल में कब होता है अराइवल Mi 11 सीरीज का। यहाँ पे दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। इंडिया में दोस्तों यहाँ पे एंटी ट्रस्ट प्रोब का सामना करना पड़ गया है दोस्तों इनको CCI की तरफ से, और अभी ऐसे में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। 15 मई की डेडलाइन हम सभी को पता है, बीच दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट, बहुत सारे जो हैं वो दोस्तों इश्यूज चल रहे हैं आगे पीछे। क्या आपने अभी तक व्हाट्सएप की जो ये दोस्तों हैं टर्म्स एंड कंडीशन इनको एक्सेप्ट कर लिया है क्या, हाँ या ना, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।